नहीं मिटने दूंगा। भारत की अध्यक्षता में दिल्ली में एसईओ समिट हुई। इस समिट में 8 देशों के रक्षा मंत्री शामिल हुए। समिट में आतंकवाद पर पाकिस्तान की फजीहत हुई तो घुसपैठ और चालबाजियों पर चीन को आईना दिखाया गया। लेकिन इस समिट में एक ग्लोबल लीडर के तौर पर प्रधानमंत्री मोदी की छाप देखने को मिली। रक्षा मंत्री के एक एक्शन से चीन को शर्मिंदा होना पड़ा तो पाकिस्तान को भारत ने सिर्फ एक तस्वीर से ही बड़ा संदेश दे दिया। आज आपको बताएंगे कि आखिर पूरी दुनिया में भारत की कूटनीति का डंका क्यों बज रहा है, कैसे अमेरिका से रूस तक न्यू इंडिया की गूंज सुनने को मिल रही है। देखिए स्पेशल रिपोर्ट द पीएम फैक्टर। भारत शांति चाहता है, लेकिन भारत उकसाने पर हर हाल में यथोचित जवाब देने में सक्षम है। हमारे पड़ोसी उसके इस मंसूबे का देश के 130 करोड़ लोग मिलकर के जवाब देंगे। ये हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री हैं, जिनके कदमों की ताल के साथ पूरी दुनिया में भारत की धाक जम रही है। वर्ल्ड लीडर्स में गिने जाते हैं, सुपर पावर्स भी अपने अगले कदम से पहले प्रधानमंत्री मोदी से राय मशविरा करते हैं। लेकिन अब देखिए, सुपर हाई सिक्योरिटी में चारों तरफ बॉडीगार्ड से घिरा एक शख्स है। एक बॉडीगार्ड कार के ऊपर चढ़कर चारों तरफ से सुरक्षा में घिरे शख्स को ऊपर से सुरक्षा दे रहा है। बॉडीगार्ड्स धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, तभी एक चेहरा दिखाई देता है। गौर से देखिए, गार्ड्स के पीछे छुपा जो शख्स दिखा वो कोई और नहीं बल्कि पाकिस्तान के पूर्व वजीर आजम इमरान खान है। इमरान खान के इस वीडियो को गौर से देखिए, चारों तरफ से गार्ड से घिरे हैं और खुद अपने सर को ऊपर बुलेट प्रूफ बाल्टी से ढक रखा है। इतने तगड़े सुरक्षा घेरे के साथ इमरान खान एक केस के सिलसिले में इस्लामाबाद हाईकोर्ट पहुंचे। यही है हिंदुस्तान और पाकिस्तान का फर्क। हिंदुस्तान दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और उसकी कद्र दुनिया भर में है। हिंदुस्तान के सुपर पावर्स के बीच एक खास पहचान है, क्योंकि नया हिंदुस्तान अब दोस्त हो या दुश्मन, आंखों से आंखें मिलाकर बात करना सीख चुका है। कि ना हम किसी से आंख झुका करके बात करेंगे, नहीं हम आंख उठा करके बात करेंगे, हम आंख मिला करके बात करेंगे। दुनिया से आंखें मिलाकर बात करने वाला भारत एक तरफ है, दूसरी तरफ आतंकी मुल्क पाकिस्तान, जिसके मौजूदा प्रधानमंत्री कटोरा लेकर भीख मांग रहे हैं, और दूसरा पूर्व प्रधानमंत्री अपने ही पाले पोसे आतंक के सरपरस्तों के डर से बाल्टी से मुंह छुपा रहा है। पाकिस्तान की ऐसी हालत क्यों हुई? क्यों पाकिस्तान दुनिया के लिए धिक्कार का कारण बना? क्यों पूरे विश्व का इकबाल पाकिस्तान में नहीं रहा? इसकी एक बड़ी वजह है हिंदुस्तान के इरादों के बुलंदी और द मोदी फैक्टर। एलओसी से लेकर एलएसी तक देश की संप्रभुता पर जिस किसी ने आंख उठाई, देश की सेना ने, हमारे वीर जवानों ने, उसका उसी की भाषा में जवाब दिया। आतंकवाद हो या विस्तारवाद, भारत
आज डटकर मुकाबला कर रहा है। आज दुनिया पर का भारत पर विश्वास और मजबूत हुआ है। इसीलिए आज द पीएम मोदी फैक्टर में प्रधानमंत्री मोदी के एक्शन और काउंटर एक्शन से थर्राते चीन और पाकिस्तान की बात होगी। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में पीएम मोदी फैक्टर को दिखाती इन तस्वीरों को देखिए। दिल्ली में शंघाई कोऑपरेशन कॉरपोरेशन के रक्षा मंत्री इकट्ठा हुए, लेकिन एक तस्वीर पर आपका ध्यान दिलाना बेहद जरूरी है। एससीओ समिट से पहले क्षेत्रीय सुरक्षा चुनौतियों और उससे संबंधित मुद्दों पर चीन के साथ निजी चर्चा होनी थी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहले से ही अपने डेलीगेशन के साथ चीन के रक्षा मंत्री जनरल ली शांगफू का इंतजार कर रहे थे। चीनी रक्षा मंत्री भी अपने अधिकारियों के साथ इस कॉन्फ्रेंस हॉल में दाखिल हुए, लेकिन चीनी रक्षा मंत्री के आते ही राजनाथ सिंह ने सिर्फ हाथों से उन्हें बैठने का इशारा किया। भारत और चीन के रक्षा मंत्रियों के बीच कोई हैंडशेक नहीं हुआ। इन पांच तस्वीरों को देखिए। राजनाथ सिंह ने ईरान के रक्षा मंत्री ब्रिगेडियर जनरल मोहम्मद रीजा घराई अश्तियानी से हैंडशेक किया। कजाकिस्तान के रक्षा मंत्री कर्नल जनरल रुस्लान झाकसिलिकोव का हाथ मिलाकर स्वागत किया। और रूस के रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु से गर्मजोशी से हंसते मुस्कुराते मिले। ताजिकिस्तान के रक्षा मंत्री कर्नल जनरल रुस्लान से हैंडशेक किया, लेकिन चीन के रक्षा मंत्री से हाथ नहीं मिलाया, सिर्फ उन्हें बैठने का इशारा किया। कहते हैं डिप्लोमेसी में फुल स्टॉप और कॉमा के भी मायने होते हैं, लेकिन राजनाथ सिंह ने चीन के रक्षा मंत्री से हाथ ना मिलाकर मैसेज क्लियर कर दिया, चीन को अपनी हदों में रहना होगा। ये नया ग्लोबल ऑर्डर है और ये नया हिंदुस्तान है, और हिंदुस्तान की ताकत का अंदाजा सुपर पावर्स को भी है। जी हाँ, आज की तारीख में चीन हल्की फुल्की गुस्ताखियां कर सकता है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी फैक्टर के सामने चीन की हर चाल नाकाम हो जाती है। पीएम फैक्टर में पाकिस्तान के हर बाप का पर्दाफाश होगा, लेकिन पहले चीन को उसकी सही जगह दिखाना जरूरी है। चीन के लिए हिंदुस्तान के मैसेजिंग साफ है, सुधरना होगा। चीन के बिना सुधरे न उससे बात होगी, न तमीज से मुलाकात होगी। सबसे पहले चीन की हालिया गुस्ताखी की बात करते हैं। कुछ दिनों पहले चीन ने अरुणाचल प्रदेश पर बड़ी चाल चली। अरुणाचल प्रदेश को चीन ने अपना बताते हुए नक्शे में कुछ गांव, कस्बे और जगहों के नाम बदल डाले। अरुणाचल प्रदेश को चीन ने जंगनान का नाम दिया। यह तीसरी बार था जब चीन ने इस तरह की गुस्ताखी की थी। अरुणाचल प्रदेश पर चाल चलने वाला चीन ये भूल गया कि हिंदुस्तान आखिर उसका किस तरह से जवाब देगा। सिर्फ 6 दिन के अंदर भारत ने चीन को करारा जवाब दिया। भारत ने वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम की शुरुआत की थी। इसके मद्देनजर गृह मंत्री अमित शाह अरुणाचल प्रदेश के दौरे पर गए। 4,800 करोड़ रुपए की लागत वाले वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम की शुरुआत करते हुए अमित शाह ने कहा कि बॉर्डर पर किबूथू गांव देश का आखिरी गांव नहीं, बल्कि देश का पहला गांव है। किबूथू की यह धरती जहां से भारत की शुरुआत होती है, और एक गांव भारत की शुरुआत का गांव। प्रधानमंत्री जी ने पूरी बात को अलग तरीके से सम्मान के साथ रखा है। पहले जब मध्य भारत से कोई आता था तो कहता था कि मैं भारत के अंतिम गांव में जाकर आया, और अब जब यहां जैसे मैं वापिस जाऊंगा मेरी पोती को बताऊंगा कि मैं भारत के पहले गांव में जाकर आया हूं। ये प्रधानमंत्री मोदी फैक्टर का ही कमाल है कि गृह मंत्री अमित शाह ने उनके नक्शे कदम पर चलते हुए उनकी ही भाषा में चीन को करारा जवाब दिया। कुछ यही प्रधानमंत्री मोदी ने भी किया था। इसके लिए आपको चीन से लगने वाले दूसरे बॉर्डर पर ले जाना होगा। यह खूबसूरत वादियों से घिरा उत्तराखंड का माणा गांव। इस गांव को भी देश का आखिरी गांव कहा जाता था। इस गांव की चीन बॉर्डर से दूरी सिर्फ 24 किलोमीटर है।
यह पीएम फैक्टर का ही कमाल है कि इस गांव की अब पहचान बदल गई है। चीन की हरकतों के बीच प्रधानमंत्री मोदी खुद इस गांव पहुंचे थे। पीएम मोदी ने इस गांव में घंटों बिताए। इस गांव में घूमते हुए पीएम मोदी का एक एक कदम चीन को चुनौती दे रहा था। उन्होंने यहां कई परियोजनाओं का शिलान्यास किया, आम लोगों से मिले, उनसे बातें की। पीएम का यह जेस्चर चीन के सीने पर बड़ा कूटनीतिक प्रहार था। चीन भारत के साथ माइंड गेम खेलने की कोशिश करता रहा है। जहां एक तरफ वो बातचीत के जरिए सीमा पर शांति की बात करता है, तो वहीं LAC पर, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर घुसपैठ कराने की कोशिश भी करता है। शायद चीन ये भूल गया है कि ये 1962 का भारत नहीं है। शायद चीन ये भी भूल गया है कि हिंदुस्तान के पास न्यूक्लियर ताकत है, और प्रधानमंत्री मोदी ने वक्त वक्त पर चीन को उसकी सही जगह भी दिखाई है। माणा गांव भारत के अंतिम गांव के रूप में जाना जाता है, लेकिन जैसे हमारे मुख्यमंत्री जी ने इच्छा प्रकट की, अब तो मेरे लिए भी सीमा पर बसा हर गांव देश का पहला गांव ही है। पूरी तरह से बदल गई है। इस गांव में पीएम मोदी के कदम पड़ने के बाद इसकी तस्वीर बदली, इसकी पहचान बदली, इस गांव में रहने वाले लोगों के सोचने का तरीका बदल गया। जिसे भारत का आखिरी गांव कहा जाता था, वो भारत का पहला गांव बन चुका है। ये पीएम फैक्टर का ही दम है जो चीन भारत की सैकड़ों एकड़ की जमीन पर कब्जा कर लेता था, आज उसे मार कर भगाया जाता है। और देश के विदेश मंत्री की तरफ से चीन को कड़ा संदेश दिया जाता है। We were being accommodative. Who sent the Indian army to the LAC? Rahul Gandhi didn't send them. Narendra Modi sent them. We have today the largest peacetime deployment in our history on the China border. And please notice, I said China, C-H-I-N-A. चीन भले ही खुद को बेहद ताकतवर माने, लेकिन पहाड़ों की लड़ाई में उसकी फौज फुस है। चीन ने वियतनाम वॉर के बाद यानी करीब 48 साल से कोई लड़ाई लड़ी नहीं है। उसके पास टेक्नोलॉजी जरूर है, लेकिन पहाड़ों में वो कारगर नहीं है। चीनी सैनिकों को तंग गलियों से ही गुजरना है। जाहिर है, ऐसे में चीन कभी भी भारत के साथ पहाड़ों में नहीं लड़ेगा। यानी साफ है, चीन पहाड़ों में भारत से जंग नहीं लड़ सकता, इसीलिए वो आए दिन कोई ना कोई हरकत करता रहता है। कुछ ऐसी ही हिमाकत उसने 9 दिसंबर 2022 को भी की थी। भारत के रणनीतिक सड़क सीला तवांग के सामने यांगसे सेक्टर में PLA ने नई सड़क बनाई थी। तवांग में 17,000 फीट की ऊंचाई पर एक रिज पर भारत और चीन के सैनिकों में भिड़ंत हुई। भारत के शूरवीरों ने यहां से चीनी सैनिकों को मारकर भगाया, और चीन को देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जवाब दिया। चाइना के इस प्रयास का हमारी सेना ने दृढ़ता के साथ सामना किया है, अध्यक्ष महोदय, और इस फेस ऑफ में हाथापाई भी हुई है। भारतीय सेना ने बहादुरी से PLA को हमारी टेरिटरी में अतिक्रमण करने से रोका और उन्हें उनकी पोस्ट पर वापस जाने के लिए मजबूर कर दिया। अध्यक्ष महोदय, इस झड़प में दोनों ओर के कुछ सैनिकों को चोटें भी आई हैं, और मैं इस सदन को अवगत कराना चाहता हूं कि हमारे किसी भी सैनिक की न तो मृत्यु हुई है और न ही कोई गंभीर रूप से घायल हुआ है। इंडियन मिलिट्री कमांडर्स के टाइमली इंटरवेंशन के कारण PLA सोल्जर्स अपनी लोकेशंस पर वापस चले गए। अध्यक्ष महोदय, पीएम फैक्टर में अब बात पाकिस्तान की। भारत ने पाकिस्तान का वो हाल किया है कि वो दुनिया में मुंह दिखाने के लायक भी नहीं रहा, और दिल्ली में हुई समिट में भी पाकिस्तान के रक्षा मंत्री सिर्फ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ही शामिल हुए। डिप्लोमेसी में हर कदम पर डिप्लोमेट्स की नजर होती है। भारत ने भी पाकिस्तान के साथ यही खेल किया, सिर्फ एक तस्वीर दिखाकर पाकिस्तान को उसका असली चेहरा दिखा दिया। ये वो तस्वीर है जो पाकिस्तान के सीने में नश्तर की तरह चुभती है। ये वो घाव है जो पाकिस्तान आज तक भुला नहीं पाया है। वो दिन जब हिंदुस्तान ने पाकिस्तान के दो टुकड़े किए थे, उसे घुटनों पर लाया था,
और जब बांग्लादेश के आर्मी चीफ भारत के दौरे पर आए तो विदेश मंत्रालय की तरफ से यही तस्वीर जारी की गई, जिस कमरे में भारत और बांग्लादेश के आर्मी चीफ मिले और हाथ मिलाया उसके ठीक पीछे एक ऐतिहासिक तस्वीर लगी थी। ये तस्वीर 1971 की पाकिस्तान के सरेंडर की थी और यही वजह थी कि पाकिस्तान के रक्षा मंत्री शायद शर्म की वजह से अपना मुंह दिखाने नहीं आए। ये पीएम फैक्टर उनके ग्लोबल डिप्लोमेसी का ही कमाल है कि आज की तारीख में सुपर पावर्स वर्ल्ड लीडर्स भारत के साथ हैं और पीएम मोदी के विजन के साथ हिंदुस्तान आगे बढ़ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। मैं देश नहीं मिटने दूंगा।